अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, फॉर साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना संकट के इस काल में कोरोना वॉरियर्स की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब आप हमारे पुलिस वालों को देखिए, कोई सा भी राज्य देख लीजिए, आप वहां पर देखेंगे कि कितने सारे पुलिस वालों को कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया है, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए, अपने परिवार की चिंता नहीं करते हुए देश की सेवा में लगे हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे पुलिस का मानवीय चेहरा, वो चेहरा जो शायद बहुत कम लोग ही दिखा पाते हैं। दरअसल हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल हो जाया करते हैं जिसमें कि पुलिस को विलेन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन पुलिस का मानवीय चेहरा भी है। इस समय जब मानव जाति पर एक बड़ा संकट आया हुआ है, पुलिस किस तरह से मदद कर रही है आपको इस रिपोर्ट में हम दिखाते हैं। खासतौर पर अब इस समय जबकि प्रवासी श्रमिकों का रेला, चाहे आप जिस राज्य में देख लीजिए, चला जा रहा है, पुलिस उनकी हर जगह मदद भी कर रही है। यहाँ तक कि कई जगहों पे ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि आप सिर्फ, आपके पास कहीं कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं लग रहा है तो आप सिर्फ पुलिस को फोन कर दीजिए, पुलिस वाले आकर आपको राशन दे के जा रहे हैं और आपकी हर तरह से मदद कर रहे हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि पुलिस वालों ने ही किसी COVID-19 से मर गए व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया है। और आप देखिए, उत्तर प्रदेश के हापुड़ की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, प्रवासी श्रमिक चले जा रहे हैं। अब एक श्रमिक के बच्चे का जन्मदिन था, जब पुलिस वालों को ये पता लगा कि उस बच्चे का जन्मदिन है, प्रवासी श्रमिक के बच्चे का जन्मदिन है, तो उसके लिए क्यों ना ये अवसर को थोड़ा सा खास बनाया जाए। आप देखिए कि पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं केक लेकर, और उस बच्चे के लिए ये एक अलग तरह की खुशी होती है जब पुलिस के सारे आला अधिकारी वहां पर खड़े हैं उसके के लिए, जन्मदिन के अवसर पर उसको बधाई दे रहे हैं, और छोटी सी एक पार्टी भी वहां पर आयोजित की गई है। अब देखिए ये रिपोर्ट। 112 नंबर से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक आशीष नाम का व्यक्ति है, बच्चा है, जो दिल्ली से आजमगढ़ जा रहा है, उसका आज जन्मदिन है। तो इसके उपरांत यूपी 112 की गाड़ी, प्रभारी निरीक्षक गढ़, दोनों लोगों के प्रयास से तत्काल में उसके लिए केक या तथा अन्य सामग्री की व्यवस्था कराई गई। और इसी कार्यस्थल पर जहां से इन लोगों को सम्मानपूर्वक जगह से भेजा जा रहा है, वहीं पर व्यवस्था कराई गई। इसका उद्देश्य और एकमात्र यही है कि कम से कम इन्हें ये महसूस हो, अनुभूति इसकी हो कि इस मुश्किल के दौर में भी पुलिस प्रशासन तथा अन्य जो भी सहवर्ती विभाग हैं उनके साथ खड़े हैं, उनको किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने देंगे और हम लोग तन मन धन से उनके साथ समर्पित भाव से काम करें। इसके अलावा अगर आप बात करें छत्तीसगढ़ में, तो वहां पर दुर्ग में पुलिस के सामने एक बड़ी समस्या आ गई। दरअसल एक प्रवासी श्रमिक की मृत्यु हो गई और देश भर में क्योंकि लॉकडाउन है, आने जाने के साधन बहुत सीमित ही उपलब्ध हैं इस समय, तो अब जो उसके घर वाले थे वो आ नहीं सकते थे। पुलिस ने एक मामले का हल निकाला और उसके लिए जो उसके परिजन है उनको बताया कि इनका अंतिम संस्कार किया जाना अभी जरूरी है। उनको वीडियो कॉल पे लिया और उस श्रमिक का अंतिम संस्कार किया। वाकई में जो पुलिस वाले हैं इस समय, ये भी कह सकते हैं कि आप जिस तरह से डॉक्टरों को देवदूत कह रहे हैं, ये भी देवदूत से कम नहीं है जिस तरीके से मदद कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरीके से प्रवासी श्रमिकों की ही, हम आपको आज इस रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। अब बहुत सारे नए किस्से बन रहे हैं, नए रिश्ते जुड़ रहे हैं, एक रिश्ता जुड़ा है, एक नया जन्म हुआ है रिश्ते का, और वो भी ट्रेन में। प्रवासी श्रमिकों को लेकर ट्रेन चली थी सूरत से, बिहार जा रही थी, अब रास्ते में एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई। तो आप देखिए कि उस समय ट्रेन में जो महिलाएं थी, उस खासतौर पर उस कोच में, वो सारी महिलाएं उसकी मदद के लिए आ गई, क्योंकि जो मेडिकल हेल्प है वो पर्याप्त मात्रा में कहें तो उसको स्टेशन पे ही मिल सकती थी। स्टेशन को, अगले स्टेशन को सूचित कर दिया गया था गार्ड की तरफ से, लेकिन वो तत्काल जो मेडिकल हेल्प है, तत्काल जो सहायता थी, वो वहां पर कोच में मौजूद महिलाओं ने उपलब्ध कराई और तुरंत ही उस महिला ने, एक महिला की मदद की गई, महिला ने बच्चे को जन्म दिया, स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। अगले स्टेशन पर मेडिकल हेल्प मिली और महिला को जो भी उनको वहां पर चिकित्सा उपलब्ध कराई जानी थी वो कराई गई। अब देखिए कि ये एक नया वहां पर ट्रेन में जन्म हुआ है, नई कहानी बनी है, जो महिलाओं जिन्होंने मदद करी उनका वो आभार प्रकट कर रही हैं, वो महिला जो माता बनी है। देखिए जो हमारे रेलवे वाले हैं वहां पर, खासतौर पर जो मेडिकल हेल्प के लिए पहुंचे थे, वो क्या कह रहे हैं। बताना कि हम लोग को ट्रेन कॉल आया था कि डिलीवरी होने वाली पेशेंट है, जब तक ट्रेन यहाँ पहुँची तब तक डिलीवरी ट्रेन में मौजूद औरतों ने करवा दिया, तो कॉर्ड उनका क्लैंप नहीं था, हम लोग यहाँ पहुँच के कॉर्ड क्लैंपिंग की है, तो इस
प्रकार इस लॉकडाउन ने, इस कोरोना संकट ने बहुत सी नई कहानियां, बहुत से नई सीख, बहुत से नए सुझाव दिए हैं देश को, देशवासियों को। फिलहाल इस रिपोर्ट में नहीं, बाकी देशों ने खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ।